Hello everyone and welcome back to Praxad Gallery and I hope all of you are doing good. So, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स के इरेजर होते हैं और उनके क्या यूसेज है, मुझे पेंसिल इरेजर यूज़ करना चाहिए कहाँ पे, मुझे यू नो इलेक्ट्रिक इरेजर यूज़ करना चाहिए और ये वाला कौन सा इरेजर है. अगर ये सब आप जानना चाहते हो तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे. तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले कि कितने टाइप के इरेजर होते हैं और हर एक इरेजर का क्या यूज़ है. आपके अकॉर्डिंग कौन सा आपको इरेजर बेस्ट सूटेड होगा वो आप फिर चूज़ कर सकते हो. ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेस इरेजर से. बेस इरेजर इज़ नथिंग बट ये वाला इरेजर जो आप सभी ने देखा होगा. आपने यू नो जब भी हम स्कूल में थे तो हम जनरली ऐसे यूज़ किया करते थे जिसमें हम सिंपल पेंसिल से लिखते हैं और फिर इससे इरेज करते हैं. नॉर्मली सभी को ये पता होता है, राइट. लेकिन ये जो इरेजर है ये फोम इरेजर है. एक्चुअली ये नॉर्मल इरेजर नहीं है, ये फोम इरेजर है जो मैंने परचेज किया था मैकेनिकल पेंसिल के साथ आया था. तो मैंने ये शकुरा की मैकेनिकल पेंसिल ली थी, इसके साथ में ये इरेजर यहाँ पर ऐसे लगा हुआ आया था. सो ये इरेजर की खास बात ये है कि ये दिस इरेजर इज़ वेरी सॉफ्ट. अगर आप देखोगे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और जब इससे मैं इरेज करती हूँ तो बहुत अच्छा इरेज होता है. दैट्स वाई मुझे ये इरेजर काफ़ी पसंद आया. वैसे तो आप इसकी जगह पे अप्सरा के इरेजर या नॉर्मल कोई भी इरेजर आप यूज़ कर सकते हो, बट दिस इज़ वन ऑफ द यू नो द बेस्ट इरेजर इन दिस कैटेगरी. अगर आपको कुछ वाइड एरिया इरेज करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा है. मैं आपको भी ये यूज़ करके दिखाती हूँ. अगर मैं थोड़ा सा जल्दी से यहाँ पे, तो इस इरेजर की मुझे खास बात यही लगी कि ये बहुत अच्छे से क्लीन करता है और आपके पेपर पे बहुत सॉफ्ट रहता है. तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ वन ऑफ द यू नो बेस्ट इरेजर. मैंने नटराज की, अप्सरा के वगैरह के भी यूज़ किए हुए हैं, लेकिन अप्सरा वगैरह का यूज़ किया, राइट, इरेजर उससे पेपर थोड़ा सा टियर हो रहा था. तो मुझे लगा दिस इज़ गुड, दिस इज़ वेरी सॉफ्ट ऑन योर पेपर. सो दैट वॉज ऑल अबाउट सकुरा होम इरेजर. मैं इसका प्राइस डाल दूंगी यू नो कि कितने में मुझे पड़ा था. वैसे तो मैंने इसको इसके साथ लिया था तो टोटल प्राइस रहेगा, बट इसके इंडिविजुअल भी आते हैं तो इनकेस अगर आपको इंडिविजुअल ये इरेजर लेना है तो आप इसे परचेस कर सकते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी इज दिस जो कि पेंसिल इरेजर है, और पेंसिल इरेजर में बहुत सारी चीज बहुत टाइप के एक्चुअली आते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं. तो पेंसिल इरेजर में जैसे ये एक है, ये कोहिनूर ब्रांड का है, राइट, कोहिनूर ब्रांड का इरेजर है 6312. ये भी बहुत अच्छा है, ये स्पेशली हाईलाइट्स के लिए काफ़ी यूज़ होता है. जो सपोज़ अगर आपने कहीं शेडिंग की है और आपको हाईलाइट्स देना है तो उस जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हो. तो स्पेशली जैसे हेयर की हाईलाइट होती है, जहाँ पे आप जैसे टॉम्बो मोनो जिमर का यूज़ करते हो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो. तो इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे. और ख़ास बात इस यू नो इरेजर की ये है कि इस ये पेंसिल इरेजर है, सो इट्स सिमिलर टू योर पेंसिल, राइट, एंड यू कैन ईजिली शार्प इट. ये जो इरेजर है इसको आप एक्चुअली शार्प कर सकते हो. सिंपली आप यू नो शार्पनर से लेके इसको जैसे आप पेंसिल शार्प करते हो वैसे ही शार्प कर सकते हो, एंड इससे आप बहुत अच्छी हाईलाइट गेन कर सकते हो. जैसे ये काफ़ी अच्छा होता है. मुझे एक बस इसका ये लगा कि इसमें ये जो ग्रेफाइट है ये थोड़ा सा यहाँ पे स्टिक हो रहा है, इसके कारण अगर आप आउटर एरिया में जहाँ पे आपकी शेड नहीं है अगर वहाँ से आप इसको ऐसे स्ट्रोक लगाते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको, ये देखिए. तो हाईलाइट्स के लिए बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी हाईलाइट इसकी क्रिएट कर सकते हो. दिस इज़ वेरी नाइस फॉर दैट. तो ओनली थिंग इज इसका ये थोड़ा ग्रेफाइट यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, तो इसको शार्प कैसे करते रहना होगा ताकि आपकी ड्राइंग जो है वो गंदी ना हो. अदरवाइज इट्स अ गुड वन. तो पेंसिल इरेजर के ही सीरीज में एक ही दूसरा इरेजर है जिसको मोनो इरेजर बोलते हैं. ये टॉम्बो का ही है, इट्स अ मोनो इरेजर, बट ये मोनो ज़ीरो इरेजर नहीं. ज़ीरो इरेजर इज डिफरेंट. ज़ीरो इरेजर की जो पॉइंट होती है वो और भी पतली होती है. ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये इसकी लीड है, ये बेसिकली ये इरेजर है. और ये इरेजर आप चाहो तो इसको और शार्पन कर सकते हो, बट कैसे शार्प करेंगे इसके लिए बेसिकली आपको किसी
सैंड पेपर का यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप अगर रब करोगे ऐसे तो थोड़ा सा शार्प हो जाएगा। तो अगर आपको फाइन डिटेल यूज़ करनी है और आपके पास टॉम्बो मोनो इरेजर नहीं है, दूसरा अगर पेंसिल इरेजर भी नहीं है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये टॉम्बो का है, टॉम्बो एक जापान की कंपनी है अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो, और ये थोड़ा सस्ता मिलता है, मतलब कंपेयर टू टॉम्बो मोनो इरेजर ये थोड़ा सा सस्ता होता है, तो आप इसको खरीद सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। ये भी हाईलाइट के लिए, जो थोड़ा ब्रॉडर एरिया अगर आप बड़ी ड्राइंग बना रहे हो तो वहाँ पे आप हाईलाइट के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसकी टिप जो है थोड़ी मोटी है, राइट। तो अगर आप छोटे एरियाज में इसको अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, हो सकता है हाईलाइट्स प्रॉपर नहीं आए, वो बिल्कुल फाइन लाइन जैसे नहीं आएगा, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है स्केचिंग बनाते हो, या फिर आप बड़े एरिया में अगर आपको हाईलाइट देना है तो उसके लिए आप इजीली यूज़ कर सकते हो। चलिए इसको देख लेते हैं कि कैसा ये चलता है। This is how this particular eraser works. So next category again is this, which is nothing but Tombow Mono Zero eraser. तो अगर आप यहाँ देखोगे zero, zero का मतलब ही है कि इसकी जो lead है ना ये बहुत ही पतली है, अगर compare to other जो मैं आपको दिखा रही थी दूसरा भी, अगर मैं इसकी lead दिखाऊँ और इसकी lead दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है ना, देखिए बहुत डिफरेंस है। तो ये इसीलिए जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो जनरली टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर यूज़ करते हैं, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा है और ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सो दिस इज़ द वन इरेजर विच आई यूज़ अ लॉट, ऑलमोस्ट जहाँ कहीं भी मुझे हाईलाइट देना होता है वहाँ पर मैं इस इरेजर का यूज़ करती हूँ। और इस आप इधर से इसको प्रेस करोगे, जैसे हमारे टिप टॉप वाली पेन आती है ना वैसे ही है कुछ, बचपन में हमारी ऐसी पेंसिल्स थी, बचपन में ऐसी पेंसिल्स भी आया करती थी, राइट। तो यहाँ से आप प्रेस करोगे तो ये लीड इधर के बाहर आती है और ये कुछ ऐसा होता है, लेट मी शो यू। ये देखिए, ये इसके अंदर एक कुछ ऐसा प्लास्टिक का होता है जिसके थ्रू ये पुश होते हैं रबर, इसकी कुछ साइज़ होती है, इतनी बड़ी कुछ साइज़ होती है। और इसको इसके साथ में जब आप टॉम्बो मोनो इरेजर लेते हो तो साथ में कुछ तीन या चार कुछ रिफिल पैक भी आते हैं, मतलब ये ऐसा रिफिल इरेजर पैक रहता है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। अभी तक ये मेरा पहला वाला ही चल रहा है, मैंने अभी तक एक भी इसको रिफिल नहीं किया हूँ। तो अगर आप इसकी टिप देख रहे हैं तो उसको मैंने थोड़ा सा डायगोनल में कट किया हुआ है, ये आप किसी भी यू नो शार्प नॉट शार्पनर जो हमारे पास कटर आता है उससे उसकी हेल्प से आप यूज़ कर सकते हो, एंड उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसको यूज़ करने के लिए जो टिप पॉइंट है ये मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा डार्क शेड किया है ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि ये टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर कितना इफेक्टिव है। तो अभी मैंने इस मोनो इरेजर को लिया और इसकी जो पॉइंटेड पार्ट है इससे मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट करूँगी। आप इसको अगर आपको प्रेशर को थोड़ा रखना है टाइट तो थोड़ा इसकी लीड को छोटा कर सकते हैं, क्योंकि अगर बड़ी होगी तो वो बेंड होगी अगेन, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, अभी देखिए कितनी फाइन लाइन आ रही है, अगर आप इसमें देख पा रहे हो तो सी इट इज़ सो फाइन, राइट। तो इसके लिए टॉम्बो मोनो इरेजर बहुत यूज़ होता है, बिकॉज जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको जितनी भी फाइन लाइन्स देनी होती है, हाईलाइट देनी होती है, वो लोग टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज़ करते हैं। तो इसका प्राइस जो भी है वो मैं डाल दूँगी, कुछ 350 के लमसम मिलता है ये, कुछ 350-375, बट फिर भी मैं एक बार चेक करके अपडेट कर दूँगी स्क्रीन पर, तो आप उसको देख सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगी एक ऐसा इरेजर और एक ये पेंसिल इरेजर, है ना, ये दोनों तो डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए अगर आप सीरियसली आर्ट के करियर में यू नो फोकस करना चाहते हो, तो स्पेशली पेंसिल आर्ट में अगर आप फोकस करना चाहते हो तो आप ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आप ये ले सकते हो। कर लेते हैं दूसरे ऐसे इरेजर की जो कि बहुत ज़्यादा
यूज़ होता है आर्ट के फील्ड में, स्पेशली पेंसिल आर्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एंड दैट्स नथिंग बट आवर फेवरेट नीडे डेरी। एंड हाँ, आप सभी ने देखा होगा मेरे वीडियो में भी कि मैं ये इरेजर बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारे मतलब और भी ब्रांड के नीडे इरेजर यूज किए, जैसे डॉम्स का नीडे इरेजर और एक और लोकल ब्रांड का मैंने नीडे इरेजर यूज़ किया था, बट वो मुझे इतना इफेक्टिव नहीं लगा। तो अगर आप इसको देखते हो तो ये एक बॉक्स में आता है एंड इसकी कुछ प्राइस 60 रुपीज़ है। एंड अगर आप ये देख रहे हो तो ये पूरा एक ऐसा स्क्वायर होता है, ठीक है। मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसका हाफ निकाल के रख दिया है ऐसा सेफ, क्योंकि ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है तो इसको थोड़ा सेफ रखना पड़ता है, और ये हाफ मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अभी इस इरेजर की खास बात ये है कि ये किसी भी शेप में इसको आप नीड कर सकते हो, तो स्पेशली जो फाइन एरियाज होते हैं, स्मॉलर एरियाज होते हैं, उसके लिए हम नीडेड इरेजर का यूज़ करते हैं। एंड इसमें हमें कुछ इरेज करना या रब करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे इसको हमें सिंपली डैब करना होता है और अपने इरेजर से वो उठा लेना होता है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये ग्रेफाइट है, इसको थोड़ा मैं और डार्क कर देती हूँ, ठीक है। सपोज अगर आपका कहीं आप शेडिंग कर रहे हो और वहाँ पे थोड़ा डार्क हो गया, या हल्का आपको टोन चेंज करना है यू नो शेड का, तो आप सिंपली इसको ऐसे लेके हल्का सा बस इसको डैप करेंगे और ऐसे उठा लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि कितना इजीली ये ग्रेफाइट को पिक कर लेता है ना। और अगर आपको कहीं फाइन एरिया, जैसे अगर आप आइज वगैरह ड्रॉ कर रहे हो, वहाँ पे छोटी हाईलाइट देनी है और आपको इरेज नहीं करना है, जस्ट आपको सिंपली थोड़ा सा ग्रेफाइट अपलिफ्ट करता है, तो उसके लिए आप इसको किसी भी शेप में प्रॉपर हल्का दे सकते हो किसी भी शेप में, और वहाँ पे जस्ट डैप करें और इसको उठा लें। सो दिस इज़ हाउ यू यूज नीडेड इरेजर, इरेजर विच इज़ हैविली यूज बाई आर्टिस्ट, और मैं भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी इफेक्टिव है। तो अगर आपके पास ये एक इरेजर है तो आपकी आपकी काफ़ी सारी यू नो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आप अभी नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी, ये मैंने एक इरेजर अगेन, मुझे ये फ्री मिला था किसी पेंसिल के साथ में, और ये स्टेडलर मार्स इरेजर है। तो ये जो इरेजर है ये पेन इरेजर है, अगर आप पेन से ड्राइंग करते हैं राइट, तो उसके लिए इफेक्टिव है। मैंने तो इसको यूज़ नहीं किया है, बट लेट्स सी इफ दैट वर्क। मैं एक पहले से कुछ तो स्केच बनाती हूँ। ओके तो यहाँ पे मैंने पेन से कुछ फाइन लाइंस बना दिया है, और पहली बात तो ये थोड़ा इरेजर हार्ड है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरा पेपर ही फट ना जाए, तो इरेज हो रहा है ना, कुछ तो इरेज हो रहा है, बस पेपर की क्वालिटी पे क्या असर पड़ रहा है वो हम देखेंगे जब हम इसके डस्ट को हटाएंगे, तब पता चलेगा कि पेपर की क्वालिटी क्या हालत है। वैसे इतना ख़राब नहीं है, ठीक है, पेपर मतलब क्लियर नहीं हुआ है, जस्ट इसने यू नो इस पेन को हटा दिया है। अगर आप लोग इस इरेजर को कभी यूज़ किए हो तो बताना, और ये इफ़ेक्टिव है पेन के लिए फॉर श्योर, बट इसके लिए आपको थोड़ा यू नो थिक पेपर की ज़रूरत होगी। एंड दूसरी बात, इसको आप अगेन शार्प कर सकते हो, जैसे आप पेंसिल इरेजर को शार्प कर सकते हो, साथ में इसके पीछे इन्होंने ब्रश भी दिया हुआ है जिसके थ्रू आप डस्ट जो भी आएगी उसको क्लीन कर सकते हो, बट ये पेंसिल ड्राइंग के लिए यूजफुल नहीं है। सो द लास्ट वन व्हाट आई हैव इज़ दिस इलेक्ट्रिक इरेजर, ये डरवेंट का इलेक्ट्रिक इरेजर है, यहाँ पे इसकी बैटरी लगती है, दो बैटरी लगती है। तो अब इसको कैसे यूज़ करना है, दूसरी बात, इसमें जो होती है ऐसा आपको होल्डर मिलता है, इस होल्डर में आप ऐसे, ये इरेजर है, दिस इज़ द मेन इरेजर, एंड इसको यहाँ पे आप ऐसे लगा सकते हो, एंड देन इसके अंदर ये जाता है, और इसके अंदर मोटर होती है बेसिकली विच रोटेट्स दिस यू नो एरिया, दिस पर्टिकुलर इरेजर। अगर आप देखोगे यहाँ पे छोटा सा बटन दिया हुआ है, इफ़ यू प्रेस दिस, दिस इज़ रोटेटिंग, प्रेस कर रही हूँ, ये रोटेट कर रहा है। तो
सो जो इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ होता है कि बेसिकली आप यू नो कम समय में ज़्यादा, अगर आपको लेट्स से स्किन टेक्सचर देना है या फिर अगर आपको बड़े एरिया में आपको कुछ डॉट्स वगैरह अप्लाई करने हैं, तो उस केस में आप इलेक्ट्रिक इरेजर को यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी इफेक्टिव होता है। और अगर आप चारकोल वगैरह, चारकोल पाउडर या फिर आप अगर चारकोल पेंसिल का यूज़ करके बनाते हो, तो वहाँ पे भी आप इलेक्ट्रिक इरेजर यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही फास्ट तरीके से आपकी हाईलाइट हो गई या फिर स्किन टेक्सचर कुछ देना है तो वहाँ पे डॉट्स अप्लाई करने हैं, वो सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो आप। तो अभी बात ये आती है कि इसको कैसे यूज़ करें, तो इसको तो आप चाहो तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हो अगर आपकी ड्राइंग बड़ी है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि इसको हमेशा आप पहले थोड़ा शार्प कर लो। और शार्प करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपके पास एक सैंड पेपर होना चाहिए और उसमें जस्ट आपको यू नो ऐसे, ताकि ये जो होगा ना, ये जो थोड़ा एरिया है इसका थोड़ा पॉइंटेड हो जाएगा, फिर आपको यू नो ये इरेज करने में या हाईलाइट करने में ईजी होगा। जैसे अभी यहाँ पे मैंने इसको शार्प कर लिया है, अगर आप देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा पॉइंटेड हो गया है। अभी मैं यहाँ पे इसको आपको यूज़ करके दिखाती हूँ कि हाउ यू कैन यूज़। सो आई नीड टू जस्ट प्रेस दिस एंड आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ स्मॉल डॉट। सो आई होप आपने देखा कि हम कैसे इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। इसमें बैटरी लगती है और ये इसको आपको शार्प करना होता है। ऐसे ही आपके पास जब आप इलेक्ट्रिक इरेजर परचेस करते हो, जैसे मैंने जब ये डर्विंट का इलेक्ट्रिक इरेजर परचेस किया था तो इसके साथ में 8 रिफिल आए थे। तो ये अभी फर्स्ट वाली ही चल रही है, मैंने इसको चेंज नहीं किया लाइक टॉम्बो मोनो। एंड ये बहुत ज़्यादा यूज़ में फ़िलहाल तो अभी नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया है। गुड इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है, बट इनिशियल स्टेज पे आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यू शुड परचेस। तो अगर आप एक बिगनर हो या फिर जस्ट अभी ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हो, तो रिकमेंड करूँगी ये 4 टाइप्स के इरेजर। पहला एक वाइड इरेजर, जहाँ पे थोड़ा ब्रॉड एरियाज है उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगी सफूरा की ब्रांड, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है। सॉफ्ट रहेगा तो आपके पेपर पे जो है इफ़ेक्ट कम आएगा एंड वो ब्रेक में पेपर जो है टियर नहीं होंगे, सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकेंड आई वुड रिकमेंड टू गो विद द फैबरकैस्टल नीडेड इरेजर। फैबरकैस्टल नीडेड इरेजर इसलिए क्योंकि आप कोई भी नीडेड इरेजर ले सकते हो, लेकिन जब भी आप नीडेड इरेजर लेते हो तो हमेशा ये ध्यान में रखना कि वो थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। बाकी ब्रांड्स जो मैंने यूज़ किए वो थोड़े से हार्ड थे, तो दैट इज़ नॉट गुड। डॉम्स का भी मैंने यूज़ किया, वो मुझे इतना इफेक्टिव नहीं लगा। डॉम्स की और इसकी प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, 70-60 लाइक दैट। तो ये आप यूज़ कर सकते हो, फैबरकैस्टल बहुत अच्छा है। बट अगर आप कोई और ब्रांड चूज़ करना चाहते हो तो डेफिनेटली चूज इट, बट जस्ट कीप इन माइंड कि आपको सॉफ्ट नीडेड इरेजर चाहिए, ताकि आप जब उसको नीड करो तो उसके फॉर्म अच्छे से आ सके और आप अच्छे से उसको इरेज कर सको। नेक्स्ट मैं रिकमेंड करूँगी ये कोहिनूर का पेंसिल इरेजर। पेंसिल इरेजर कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन कोहिनूर का पेंसिल इरेजर अच्छा है जो मैंने यूज़ किया हुआ है। तो डेफिनेटली आप फाइन लाइन्स हाईलाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास थोड़ा बजट अच्छा है तो आप एक डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करो, विच इज़ टॉम्बो मोनो इरेजर। इन 4 इरेजर के अलावा आपको कोई और इरेजर अभी अगर आप न्यू हो तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन 4 इरेजर से हर एक ड्राइंग बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको इरेजर्स के बारे में पता चला है। सो इफ यू हैव लाइक्ड इट, गिव इट अ थम्स अप एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।